वेलकम बैक टू शो ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर ने हमारे सवाल किया कि आपने जो फ्लैट दिखाया, ये आपने 8 महीने पहले भी दिखाया था, तब भी फॉर सेल था, ये अभी भी फॉर सेल है, तो ये बात करते हैं क्या वाकई ऐसे कि ये फ्लैट अभी तक तब से सेल नहीं हुआ, इसकी क्या रियलिटी क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं जब 15 साल पहले मलिक रियाज साहब का जो पेपर चुना है उसका मैं डायरेक्टर मार्केटिंग था, तो जब मैं हेड ऑफिस जाता था मलिक साहब के आसपास जो लोग होते थे, वहाँ पे जो लोग आते थे, जहाँ वहाँ पे जो डीलें चल रही होती थी, उस वक्त DHA वैली जो है वो सारा एग्जीक्यूट हो रहा था और वो ब्रिगेडियर्स DHA वाले आते थे मलिक साहब से मीटिंग करने के लिए। तो वो मुझे उस वक्त एक अजीबो गरीब सी, उससे पहले मेरी ओरिएंटेशन रियल एस्टेट के बारे में कुछ और ही थी। मैं सोचता था कि अगर किसी के पास करप्शन का पैसा होगा या बहुत पैसा होगा तो वही प्रॉपर्टी लेगा। मैं उस वक्त मीडिया कि मेरी जॉब थी, कोई 1,00,000 रुपया मेरी इनकम होगी, मैं आप समझ लें, तो मुझे नहीं था यकीन। तो वो लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा उस वक्त से क्यूरियोसिटी मेरे अंदर है चीज़ों के बारे में ना जानने की, तो मुझे समझ आई कि वो जो खाइयाँ हैं, वो जो एक बेकार ज़मीन है, उसके सौदे लेन देन हो रहा है और इतने 100 कनाल इधर है और इतने 100 कनाल इधर है, और उसके बाद एक उसका मैप आता है और उसके ऊपर वो बताते हैं कि जी यहाँ इतने फुट की स्ट्रीट है, यहाँ इतने फुट की मेन लाइन है, नाला है, यहाँ पे पानी का सीवरेज का इंतज़ाम है, बहुत कुछ। तो वो मुझे ना फिर उस लेवल से चीज़ों को समझने का मौका मिला, तो वो मुझे उस वक्त समझ आई कि यार कस्टमर होते हैं बाहर के। फिर बैरियर टाउन का एक इंटरनेशनल ऑफिस भी था, आई थिंक वो लंदन में था, फिर दुबई में था, फिर तो वो मुझे समझ आई कि ये बहुत बड़ा एक इंटायर सेटअप है और इसके अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है। जहाँ तक आपने ये फ्लैट की बात की, तो ये फ्लैट हम कोई तकरीबन 6-7 फ्लैट बेच चुके हैं रीसेल पे। होता ही है कि जिन लोगों ने बिल्डिंग बनाने वक्त ये डाउन पेमेंट पे खरीदे थे, उनको 54 का ये अपार्टमेंट पड़ा था इंस्टॉलमेंट पे करके, तो उस वक्त उन्होंने 83 के हमने कोई 4-5-6 बेचे थे 83 लाख के। अब वो करोड़ तक की आस्किंग है और 95 तक कहीं डील होती है। तो जो चीज़ भी हमारे पास रीसेल पे आती है ना, तो वो माजी में जो चीज़ें बेचने का जो वो था, वो जंग अखबार का क्लासिफाइड ऐड था, क्योंकि बड़ा ऐड एक्सपेंसिव होता था। फिर ये था कि आप zameen.com पे चीज़ डाल दें तो चीज़ बिक जाती थी। तो अब चीज़ बिकती है वीडियो के थ्रू, उसको अच्छी तरह से हम दिखा दें अगले के सामने तो वो उसको क्लैरिटी आ जाती है। तो इसलिए हमारे पास जो भी चीज़ होती है वो रीसेल पे, अब एक बंदे ने 83 का लिया था और उस पर फर्ज करें उसने 95 का बेचना है, तो वो हमें ही कहेगा, खुद भी बेच सकता है लेकिन वो हमें ही कहेगा। और हमारे यहाँ क्योंकि हमारा ये जो चैनल है इसके ऊपर ही हम चीज़ें लेके आते हैं, जो भी चीज़ हमारे सामने आती है, और उसका ट्रैक भी होता है कि भाई उस वक्त 83 का बिके थे 6 महीने पहले और आज वो करोड़ मांग रहे हैं, 95 का कहीं डील हो जाएगी, तो वो इस तरह है। और जो अगर आप वो सुन रहे हैं जो जिन्होंने हमारे वैल्यूड कस्टमर्स जिन्होंने पहले ख़रीदा था, वो अगर कभी भी बेचना चाहेंगे तो हमारे पास हर वक्त रिक्वायरमेंट भी होती है। अभी एक साहब है वो देख रहे हैं, उन्होंने काफ़ी सारे अपने जानने वालों को दिखाया, वो मतलब उनकी वो चल रही है, तो वो चीज़ें हम सामने लाते रहते हैं क्योंकि वो जो दिखता है वो बिकता है ना। अगर हम उसको सामने ना लाएँ और हमारे पास चीज़ हो तो गाहक का, और कहते हैं गाहक और मौत को कोई पता नहीं होता, तो वो हम गाहक के लिए, हम उसके लिए ना वो चीज़ें रोज़ आपके सामने लाते रहते हैं। वैसे भी एक आउटर साइडर जो होता है ना, उसको वैसे मेरे ख्याल से आइडिया इतना नहीं होता कि आमतौर पे कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं वीकली और डेली के हिसाब से। बिल्कुल, एक ही बिल्डिंग में इतनी ट्रांजैक्शन हो रही होती है जितना उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया होता कि इतनी दफ़ा ये चीज़ ओनर चेंज होंगे, इतनी दफ़ा ये चीज़ रीसेल होगी। वो एक स्टैट्स था कि इस्लामाबाद में अगर कोई बिल्डिंग बनती है ना कोई कनाल 2 कनाल की, तो उस पर किसी ने रिसर्च की होगी तो वो तकरीबन 7-9 टाइम वो सेल हो जाती है, और 9 नवा बंदा वो होता है जो उसमें रहता है या वो उसको किराए पे लगाता है जो भी होता है। तो ये एक मॉडल है इन्वेस्टमेंट का, इस्लामाबाद में पहले से चल रहा था, अब वो बैरिया हर जगह चल गया है ज़्यादा। और क्योंकि देखिए प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा कोई नहीं है, तो लोग चीज़ें खरीदते बेचते रहते हैं। अच्छा, हमारे पास जैसे 1101 है, उसका एडवांटेज ये होता है कि अभी ये जो बिल्डिंग है वो जो बहरिया है उसने इसकी सारी जो भी इसकी चेक है उसने कर ली है, और वो उसने फाइनल जो अलाटीज़ हैं वो हमने उनको देने हैं। जब फाइनल अलाटीज़ हम बहरिया को दे चुकेंगे तो उसके बाद अगर कोई ख़रीदेगा तो उसके ऊपर कोई 70-75 हज़ार रुपया टैक्स भी होगा,
फ्लैट खरीदने पे, अभी वो टैक्स नहीं होता क्योंकि अभी हमारे पास ही हमने ही फाइल जनरेट करके नए ओनर को दे देनी होती है। तो सो ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है, तो वो लोग समझते हैं शायद बिकती नहीं तो वो बार बार चीज़ दिखाते हैं, तो वो ये बात है। हम असल में आपके लिए जो जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं, जिनके वसाइल नहीं हैं, उनके लिए हम दूसरी वीडियोज़ देते हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं कि वो पैसे कैसे कमाने हैं वो बताएं। जैसे हमने नया सिलसिला शुरू किया कि आप बहुत कमाएं, माला माल हो। आप यकीन कीजिएगा अगर आपने ये तमाम एपिसोड देख लिए तो आप के अंदर काफ़ी सारा बदलाव आ जाएगा, आना चाहिए, क्योंकि वो इतना वैल्यूएबल कंटेंट है जिसके ऊपर मैंने बड़ी रिसर्च की है, और वो एक एक जो लाइन है वो एक एक लाइन जो है वो आपको कहाँ कहीं मोटिवेट कर देती है, मुझे खुद बड़ी मोटिवेट करती है, मैंने रात को सोना भी होता है, लेकिन ये कि मेरी जो एक्साइटमेंट है, मेरी जो वो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाती है जबकि मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ, खासतौर पर जो माला माल वाला, वो आप ज़रूर उसको देखिए, बहुत फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत शुक्रिया।